हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम जाने वाले दरभंगा। दरभंगा में एक म्यूजियम है जो कि स्टेशन के बगल में है, उसका नाम है चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। बहुत ही अच्छा म्यूजियम है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, वहीं का व्यू दिखाऊंगा, एक सुंदर सा एक दृश्य वहाँ का दिखाऊँगा। तो गाइस, अभी हम पहले ऑटो पकड़ेंगे, फिर हाईघाट स्टेशन पहुँचेंगे, वहाँ से फिर ट्रेन है, उसके बाद फिर दरभंगा पहुँचेंगे, फिर आपको म्यूजियम का व्यू दिखाता हूँ। तो चलते हैं अभी हाईघाट स्टेशन। तो मैं अभी हाईघाट स्टेशन पहुँच गया हूँ, जैसा कि देख रहे हैं आप मेरे पीछे हाईघाट स्टेशन ट्रेन है, और मैं इसी ट्रेन से दरभंगा जाऊंगा। अभी ये ट्रेन रुकी हुई है, और अभी से लगभग 10-15 मिनट से ट्रेन रुकी हुई है, पता नहीं शायद कोई ट्रेन आ रही है दरभंगा से समस्तीपुर के लिए। और ये ट्रेन का लाइन क्लियर हो गया, फाइनली 20 मिनट बाद ट्रेन खुल रही है। पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूरी पे म्यूजियम आने वाली है। लोग म्यूजियम के अंदर आ गए हैं अभी, और अभी हम लोग म्यूजियम के अंदर घूम रहे हैं। म्यूजियम पूरा अभी खाली है, क्योंकि मॉर्निंग का समय अभी 11 बज रहे हैं। दरभंगा स्टेशन के जस्ट बगल में है, स्टेशन से बस थोड़ी दूरी पे, बस 2 मिनट का यहाँ से रास्ता स्टेशन के बगल से। म्यूजियम का नाम है चंद्रधारी संग्रहालय दरभंगा। तो भाई, ये म्यूजियम दरभंगा रेलवे स्टेशन के बगल में, अगर आप लोग कभी दरभंगा आइएगा तो इस म्यूजियम में जरूर घूमिएगा, बहुत ही अच्छा व्यू आपको देखने को मिलेगा। इधर बगल में ये दिख रहा बड़ा ऐसा, बहुत बड़ा ऐसा नदी है, और बहुत सारा चीज़ यहाँ आपको देखने को मिलेगा, मतलब अच्छा। अगर आप फ्री रहते स्टेशन पे तो इधर यहाँ आ सकते हैं बाहर में आप घूमने के लिए। हे गाइस, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।